अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप फ्लाइंग टॉयज़ को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक फ्लाइंग टॉय है जो कि फ्लाई नहीं कर रहा, और इसके मेन ब्लेड्स को घुमाकर चेक करते हैं। इसका एक जो ब्लेड है ये प्रॉपर घूमता है जबकि दूसरा उस तरह से रोटेट नहीं करता। जबकि ये एक ओके फ्लाइंग टॉय है, इसके दोनों प्रोपेलर बिल्कुल बराबर में रोटेट करते हैं। सो इसके लिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के बटन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अभी से लाइक भी कर दीजिए। सो इसकी बॉडी के तमाम स्क्रूज़ को हम ओपन कर लेते हैं। और इसके गियर सिस्टम को हम बॉडी से अलग-अलग कर लेते हैं। और नीचे वाली साइड पर ये इसकी प्लेट लगी हुई है, इसकी साइड्स पर दो लॉक्स हैं, इनको आप थोड़ा सा बाहर की जानेब पुल करेंगे तो ये नीचे वाली प्लेट इसकी अलग-अलग हो जाएगी। और इसके बाद इसकी गियर्स को चेक कीजिए। अभी जो ऊपर वाला प्रोपेलर है इसके साथ जो गियर टच हो रही है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। और इसकी दोनों पिन्स को हम बाहर की जान में निकालते हैं और दोनों गियर्स को हम अलग-अलग करके चेक कर लेते हैं। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। ये वाली जो गियर है इसकी छोटी और बड़ी दोनों गियर्स के टीथ बिल्कुल बराबर हैं, जबकि दूसरी जो गियर है इसकी जो छोटी गियर है इसके टीथ ऊपर से ख़राब हो चुके हैं और इस वजह से जो ऊपर वाला ब्लेड है वो प्रॉपर घूमता नहीं है, इस वजह से हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करता। और आप इसी तर्ज की मिलती जुलती एक और गियर ले लीजिए। और जिसके टीथ ख़राब हैं उस गियर को फेंक दीजिए और इस गियर को उसके साथ रिप्लेस कर दीजिए। पिन को आप गियर के अंदर लगाएंगे और जो छोटी गियर है उसको नीचे वाली साइड पे रखेंगे, यानी एक जो गियर है ये इसकी छोटी गियर नीचे वाली साइड पे होगी जबकि दूसरी गियर की छोटी गियर ऊपर वाली साइड पे, एक उल्टी और एक सीधी गियर इस तरह से फिक्स होंगी। इसकी जो छोटी गियर है इसको आपने ऊपर की जानिब रखना है। ये तमाम जो फ्लाइंग टॉयज़ होते हैं इनका जो सिस्टम है तकरीबन आपस में मिलता जुलता है। और अभी इसकी तमाम जो गियर्स हैं ये वर्क कर रही हैं। और इसकी प्लेट जो हमने उतारी थी उसको ऊपर रखकर आप प्रेस करेंगे तो वो दोबारा से उसके लॉक्स फिक्स हो जाएंगे। और अब इसके ब्लेड्स जो हैं वो प्रॉपर दोनों रोटेट कर रहे हैं। और अगर आपकी मोटर की जो छोटी गियर है ये अंदर से स्लिप हो चुकी है तो इस पर मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ। और इसके अलावा अगर ऑन ऑफ स्विच टूट चुका है और इसको रिप्लेस करना है तो इसकी वीडियो भी मैं इससे पहले बना चुका हूँ। सो ये दोनों वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहें। और उसके बाद बैटरी को फिक्स कीजिए और बॉडी के अंदर इस गियर सिस्टम को फिक्स कर दीजिए।
और बॉडी को लगाने के बाद आप ऊपर से प्रेस कीजिए और इसके तमाम स्क्रूज को टाइट कर दीजिए। और इसकी टेस्ट फायर करते हैं। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।